क्षेत्रीय ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार, सड़क नहीं तो वोट नहीं। हाथरस चंदपा कस्बा से बगना जाने वाले संपर्क मार्ग की बदहाली को लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि गत 10 वर्षों से गहरे गड्ढे व जल भराव जैसी समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि गत कई वर्षों से रोड की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों से भी मौखिक रूप से अनेकों बार ग्राम प्रधानों ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे और अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह, प्रधान खेड़ा परसौली। जान जी, क्या है ये जो बहिष्कार का ये बैनर लगा हुआ, क्या मामला है ये आपके सामने? यह समस्या आज से नहीं है, कई वर्षों से देख रहे हैं कि बगना जो मार्ग है और ये कई गांवों को जोड़ता है और कोई भी लगभग कितने गांव होंगे जो इस संपर्क मार्ग से? लगभग 20 गांव। 20 गांव जैसे कि परसौली है, झिंगरा है, भूलगढ़ी है, बगना है, दरकई, ककोरी, मांगरू, बारू, गांव को जोड़ता है, इत्यादि काफी गांव है। तो आगे की बहिष्कार को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या मतलब है? मतलब बहिष्कार तो इसीलिए किया जा रहा है कि जी रोड ही नहीं बन रहा है तो कोई विकास का कार्य ही नहीं किया जा रहा है। छोटा सा ये रोड है और इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरे संज्ञान में आया गया अभी तो फिलहाल लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो आप रोड को लेकर के, तो क्या अनशन का बैठने का भी कोई विचार है आपका? हाँ, उस पर भी विचार किया जाएगा और हो सकता है कि अनशन पर भी बैठा जाए अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो। क्या नाम है आपका? अजय सिंह कौशिक। ये आपने बैनर पर लिखा रखा है कि बहिष्कार, जल भराव हो रहा है, क्या मामला है ये? ये विगत 10 वर्षों से इस रोड की स्थिति यही है। रोजाना इसमें पढ़ने वाले बच्चे, राहगीर, सभी जो है आए दिन फिसलते रहते हैं। इसको जो है कोई भी व्यवस्था इसकी नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसको जो है अनशन हमने स्टार्ट किया है। जब तक हमारा अनशन चालू रहेगा, जब तक इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो जाएगा। ये लोकसभा चुनाव की अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, आप बहिष्कार कर रहे हो लोकसभा चुनाव का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम जनप्रतिनिधियों को यह सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे समय में हम जो है पूर्ण रूप से इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और इसमें एक गांव नहीं है, 4-5 गांव हैं जो कि पूर्णतः इसका बहिष्कार करेंगे। तो अब आपका अनशन जारी है? जी, स्टार्ट हो गया है, हमने आज से जो है अनशन जो है चालू कर दिया है और जब तक इसका समाधान नहीं होता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। अभी आपसे कोई जनप्रतिनिधि या उच्च अधिकारी आपसे कोई मुलाकात करने आया है अभी तक? कोई नहीं आया साहब। आपका अजय सिंह कौशिक, ये जो बहिष्कार का बोर्ड लगा रखा है, क्या मामला है ये? ये 10 वर्षों से इस रोड की हालत ऐसी है कि इसमें से जो भी पढ़ने वाले बच्चे निकलते हैं वो साइकिल लेकर के गिरते हैं और मोटरसाइकिल वाले रोजाना स्लिप होते हैं। जो भी विधायक यहाँ से निकलते हैं 4 पहिए की VIP गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि ये रास्ता खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको तो कोई जानकारी है सब, लेकिन फिर कोई बोलता नहीं है। तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के आपने बहिष्कार किया है? बिल्कुल, बहिष्कार के इसलिए किया है कि हमने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसका जो डाल दिया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और जो भी आते हैं उसमें 2 गिट्टियां डाल के भाग जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता है। तो ये आपका बहिष्कार और ये अनशन की मैंने जैसे प्रक्रिया सुनी है, ये कब तक चलेगी? ये 3-4 गांवों ने मिलकर के बहिष्कार किया है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होगा जब तक अनशन जारी रहेगा। कौन कौन से गांव शामिल है? बगना, परसौली, झिंगुरा, बारू, दरकई, ये सब गांव टोटल इस रोड वाले गांव 20 गांव है वो टोटल गांव है। मेरे संज्ञान में ये आया कि कुछ ग्रामीणों ने अपने आप स्वतः ही गिट्टी ला करके इस रोड को भरा गया है, क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट बात है, ये कई बार ऐसा गिट्टी डाला है, अब भी डाला है 4-5 दिन पहले। सांजी, क्या मामला है जो बहिष्कार का ये बैनर लगा हुआ, क्या मामला है? देखो, 10 वर्ष हो गए यहाँ पे, अभी चुनाव टाइम पे आते हैं जनप्रतिनिधि, आते हैं वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आज तक हमारी इस रोड का समस्या का समाधान नहीं, झूठी सांत्वना दे देते हैं और वोट के बाद बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं कि कुछ कराना ही नहीं है। मैंने भी व्यक्तिगत कहा है, कई बार कहा है इस रोड के लिए, मैंने कहा, बहन जी से भी कहा है, सांसद जी से भी कहा है, सबसे कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस रोड के लिए। तो आगे का क्या? आगे का ये है कि हमारे क्षेत्र की जनता ने अनशन के लिए बैठ रहे हैं, जब तक रोड नहीं बनेगा या कोई सांत्वना नहीं देंगे रोड बनने की, जब तक मतलब धरना प्रदर्शन यहाँ चालू रहेगा। आपने पूर्व में किसी और जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी से इसकी शिकायत की है?
मैंने जो है लिखित में तो नहीं, वैसे व्यक्तिगत मैंने अंजुला बहन जी से एक बार कहा था, तो उन्होंने कहा मुझसे कि प्रधान जी एक बार लिख के दीजिए, हालांकि मेरी गलती है, मैं लिख के नहीं दे पाया। कितने वर्षों से ये चला रोड की हालत खराब है? ये हो गई 10 वर्ष हो गई, 10 वर्ष हो गई जब से कोई सुनवाई नहीं है। पहले क्या था, ये PWD से हो जाता था, अब 10 वर्ष से तो मतलब PWD से भी नहीं हुआ। तो जब तक ये रोड नहीं बन जाता तब तक, जब तक हमारे क्षेत्र की जनता है ये पूरी अनशन पे डटी रहेगी, बिल्कुल कोई यहाँ से उठेगा नहीं, सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता, हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जसवंत टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।